स्वागत दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एस बी प्लस। आज लाए हैं हम आपके लिए एक अनबॉक्सिंग वीडियो। जो जियो कंपनी का फ़ोन है वो वीवो कंपनी का टैब हो चुका है और वो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, मतलब लुकिंग के साथ स्मार्टफोन आ गया है। ये जियो कंपनी का सिम कार्ड है, कंपनी की तरफ से काफ़ी ऑफर्स मिल रहे हैं इसके अंदर में। आपको रिचार्ज भी करेंगे तो उसमें हर महीना डेली 2 GB एक्स्ट्रा भी मिल रहा है आपको। बाकी बहुत सारी बेनिफिट्स है इसके साथ में, 2 GB वेरिएंट के साथ है, 32 GB इंटरनल है, 2 कलर के साथ में अवेलेबल है। चलिए ऐसे फटाफट से अनबॉक्स करते हैं, इसके आगे फीचर बता दें हम। वो Y1S मॉडल है, इसका बैटरी डिस्प्ले का साइज़ है 6.22, बैटरी 4030 mAh की बैटरी दी है और एंड्रॉयड का 10 वर्जन दिया हुआ है। वीवो मेड इन इंडिया के साथ, वीवो मेड इन इंडिया मेक इन इंडिया, मतलब काफ़ी चल रहा है। और उसमें कलर अवेलेबल है, 2 कलर अवेलेबल है, 2 GB 32 GB वेरिएंट के साथ आ रहा है Y1S। बॉडी का बॉक्स का भी लुक काफ़ी अच्छा दिया है, बारकोड भी दिया है। वीवो के सील देख लिए लीजिए, आप कभी भी आप फ़ोन लेते हैं तो उसमें लिखे आ रहता है डू नॉट एक्सेप्ट द सील इज़ ब्रोकन, तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखिए आप इस बात का। चलिए हम इसे फटाफट से अनबॉक्स करते हैं। के लिए हमने सीजर जो हमने काट दिया है इस फ़ोन को, बॉक्स को। इसके आगे के फीचर्स जानने के लिए बहुत एक्साइटमेंट है और जियो कंपनी के थ्रू मिल रहा है तो काफ़ी सस्ते में मिल रहा है। इसका मार्केट प्राइस है, MRP है इसकी 10,990 रुपया। मार्केट में लास्ट में आपको 8,000 तक मिल जाता है, लेकिन शॉप की तरफ से ASB प्लस आपको दे रहा है सिर्फ 6,990 रुपये में। मात्र 6,990 रुपये में आपको जियो कंपनी और वीवो कंपनी का जो टाइप वाला फ़ोन है Y1S वो मिल जा रहा है। काफ़ी लिमिटेड स्टॉक के साथ अवेलेबल है ये स्कीम्स। थोड़ा सा बॉक्स थोड़ा सा फिट है, निकालने में दिक्कत हो रही है हमें। देखिए हमने बॉक्स निकाल दिया, ओपन हो गया है। एक्साइटमेंट है काफ़ी लोग इसको देखने के लिए, जियो और वीवो के कॉम्बाइंड फ़ोन। इसके साथ ये बॉक्स है, इसके अंदर आ रहा है आपको एक ट्रांसपेरेंट कवर आ रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा है लुक भी। और ये है यूज़र गाइड, जिसे आपको पढ़ना है जो पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, और कुछ नहीं है इसके अंदर। देखिए ये पूरा एम्प्टी है। इसके बाद हमने फ़ोन निकाल दिए हैं, फ़ोन का लुक काफ़ी प्यारा लग रहा है। ये देखिए फ़ोन मतलब 3 मल्टी शेड में दे रही कंपनी। इसका कलर का नाम है अरोरा ब्लू, लेकिन इसमें 3 कलर मिक्सअप हो रहे हैं। फ़ोन के कैमरे के लिए भी बहुत मतलब तारीफ़ की गई है, हमने बहुत सारे इसके अच्छे रिव्यूज़ देखे हैं। इसके साथ पिन इंजेक्ट आ रहा है, ये देखिए इसके साथ आ रहा है चार्जर जो है 2 एम्पेयर का 5 वोल्ट का चार्जर आ रहा है। ये देखिए वीवो कंपनी का चार्जर के साथ, सभी मेड इन इंडिया के साथ ही चल रहा है अभी। ये देखिए डेटा केबल आ रहा है इसके साथ में, सी टाइप का डेटा केबल नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर अपना माइक्रो USB दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा होने वाला है ये फ़ोन। देखिए इसका कलर के बारे में भी क्या बताएं। चलिए इनसे फटाफट से सेटअप करते हैं, इसके आगे के की फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं इसी वीडियो में। ये मोबाइल तो हमने सेटअप कर दिया है, ये हमने वीडियोस भी डाउनलोड किए हैं और डाउनलोड बोला वीडियो भी शूट किए हैं, जो उसमें डाउनलोडिंग वीडियो भी दिखा देता आपको, शूट किए हुए फ़ोटोज़ भी है। ये देखो बॉक्स के साथ में क्लियरिटी कितनी अच्छी दिख रही है, जूम करने से भी क्लियरिटी नहीं फट रही है, काफ़ी अच्छा आ रहा है पिकाचू का फ़ोटो। मतलब फोटोग्राफर में मतलब काफ़ी फ़ोन मतलब लो बजट में काफ़ी अच्छा फ़ोन बनने वाला है। ये हम देखते हैं अभी इसे वीडियो प्ले करके, जैसे वीडियो की क्लियरिटी किस तरह से आ रही है। अब इसको रोटेट करके मैं दिखा देता हूँ वीडियो की फुल व्यू स्क्रीन में, मतलब काफ़ी अच्छा है वीडियो। साउंड वगैरह भी मेरे हिसाब से काफ़ी बेटर है। थोड़ा सा वीडियो को आगे भगा देता हूँ ताकि आपको इसकी मेन क्लियरिटी की। देखिए लो बजट में काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव और स्क्रीन भी क्लियरिटी काफ़ी, रेजोल्यूशन भी हाई दिख रहा है। इसके अंदर स्लो मोशन और फास्ट मोशन ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, बुके मोड भी दिया हुआ है, जिसके अंदर में अगर आप फ़ोटो वगैरह निकालते हैं तो फ़ोटो उसके आजू बाजू का जो वो ब्लर कर सकते हैं आप, बैकग्राउंड जो है उसको ब्लर कर सकते हैं। इसमें कैमरा दिया हुआ है 8 MP और 2 MP का। इसमें पैटर्न लॉक और फेस अनलॉक भी दिए हुए हैं, काफ़ी अच्छा है। एंड्रॉयड का 10 वर्जन दिया हुआ है। सिक्योरिटी में बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर में एक खासियत ये है कि जियो के आपको सिम कार्ड में सिर्फ 250 रुपये का, जियो के 250 रुपये के रिचार्ज करने पे आपको 6 महीने तक लगातार आप 249 के रिचार्ज करेंगे तो आपको कंपनी का जो डिस्प्ले ब्रोकन की वारंटी दे रही है कंपनी की तरफ से, जियो कंपनी की तरफ से डिस्प्ले ब्रोकन नहीं होगा आपका। इसकी MRP दी हुई 10,990 रुपये। सिस्टम अपडेट भी आप जाके देखिए अबाउट में, तो आपको एंड्रॉयड का 10 वर्जन दिखा रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा फ़ोन है। 2 GB 32 GB वेरिएंट के साथ है, प्रोसेसर भी 2.3 का गुआर का प्रोसेसर दिखा जा रहा है इसमें। काफ़ी लुकिंग भी काफ़ी अच्छा है फ़ोन का और 10,990 रुपये इसकी MRP है। ये आपको 37% लेस के साथ में 6,990 रुपये मात्र मिलेगा। ये एयरफोन के 3.5 जैक है, स्पीकर का बटन है। इसके चले हम देखते हैं इसमें कितनी सिम लगती है और कितने मेमोरी कार्ड लगते हैं। ये देखिए हम पिन इंजेक्ट कर दिए हैं,
इसके अंदर दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड, आप तीनों चीज़ें एक साथ इसमें प्लेस करके यूज़ कर सकते हैं। मतलब दो सिम कार्ड आपका एट ए टाइम आपको मेमोरी कार्ड के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। बस 64 GB तक एक्सपेंडेबल है मेमोरी कार्ड। काफ़ी अच्छा फ़ोन है, लुकिंग भी काफ़ी अच्छा है। हम कैसा लगा आपको ये फ़ोन? मुझे लगता है आपको ये लेना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कम बजट में अच्छा फ़ोन, तो बहुत बढ़िया फ़ोन है मेरे हिसाब से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे नए नए वीडियो आपको देते रहें। थैंक यू।